तो वो हमारी जिम्मेदारी है और आपने पहले भी देखा है, कसूर वाले वाक़े में भी देखा है। हम मैं अल्लाह ने हर दफ़ा उसको करू किया कौम के सामने। जहाँ तक प्रिवेंशन की बात है, वो ज़ाहिरी बात है हम सब के हाथ में है, पूरी कौम के हाथ में है। जो लोग ये इस तरह के कर रहे हैं, जो दरिंदे हमारे दरमियान फिर रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई करना, उनकी बेखुनी करना, उसमें हमारी मदद करना, ये सिविल सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें बड़ी खुशी है, मीडिया भी बड़े अच्छे तरीके से इसमें हमें हेल्प कर रहा है, हमारे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो भी हेल्प कर रही हैं। लेकिन ज़ाहरी बात है, जब तक इस तरह के दरिंदे हमारे माशरे में खड़े करेंगे, इस तरह के वाकयात होते रहेंगे। सर, मुतासरा खातून की जानिब से टेलीफोन किया गया आपकी मदद के लिए रिंग रोड पुलिस को भी, और उसके बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी का भी जारी किया गया नंबर है मोटरवे पुलिस के हवाले से। क्या कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होती हमारे इदारों के दरमियान कि अगर कोई शख्स किसी जगह पर फंस गया है, वो मदद के लिए अपने रियासती इदारों को बुलाता है, तो रियासती इदारे आपस में भी कुछ कोऑर्डिनेट करें कि यार फलां बंदा फलां खातून फलां जगह पर स्टक है तो हमें उसको हेल्प आउट करना है। फॉर देखिए, आपने दोनों जिन ऑर्गेनाइजेशंस की बात की, मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव कोई शो ढूंढ, लेकिन ऑब्वियसली ये लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं तो हर जगह यही कह रहा हूँ कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट नहीं कर रहा, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भले ये मोटरवे हो, मोटरवे से बाहर हो, ये वाक़ किसी गली कूचे में हो सकता था, खेतों में हो सकता था, मोटरवे से दूर हो सकता था, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पंजाब पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उन्होंने कॉल की थी, उनको हेल्प मैसर आनी चाहिए थी, अगर वो नहीं है। मेरी आज बात हुई है सेक्रेटरी कम्युनिकेशन से भी, आई टी मोटरवे से भी, वो इसकी इंक्वायरी भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह वो देखेंगे कि जहाँ पे अगर रब्ता हुआ है और कहीं पे कोई कमज़ोरी या कोताही दिखाई गई है उनके ख़िलाफ़ है। सर, अगर लॉज के मुताबिक बात की जाए, चूँकि आपने तमाम मुकदमा दायर अदालत में पेश करना है, ये ट्रैक जो है ये ऑब्वियसली नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जिम्मेदारी है। जिस वक्त ये सानहा हुआ, ये वाकया हुआ, लेकिन खातून को अगवा करने के बाद जिस जंगल में ले जाया गया वो पंजाब पुलिस की डोमेन में आता है। समझना ये चाहूँगा कि आने वाले दिनों में, चूँकि अब इस ट्रैक को लुक आफ्टर आपने करना, तो हम उसके लिए क्या पॉलिसी है हमारे पास? देखिए, बात ये है, मैंने चार दफ़ा रिपीट किया है, अटक से लेके रहीम या अरफान तक कोई भी वाकया कहीं पर भी होता है, वो मोटरवे पे होता है, वो जीटी रोड पे होता है, किसी गली में, किसी खेत में, वो हमारी जिम्मेदारी है। सीसीपीओ के अहमकाना बयान के हवाले से रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसी पे हम चलेंगे। सीसीपीओ साहब के अहमकाना बयान पे चलते हैं। ये आईजी पंजाब साहब थे जी, उस आपको लगता है कि जहां पे गलत लोग हो सकते हैं, वो जाने तो जाने दो, आप आ रहे हो ना? हम सारे यार
जी बात ये है कि ये पोर्शन ज़ाहरी बात है इतने अरसे से बना हुआ था, अब खाली था। अब हमने ये किया है कि लोगों को सिक्योरिटी देने के लिए और सेंस ऑफ सिक्योरिटी देने के लिए हमने PHP जो हमारी पंजाब हाईवे पेट्रोल है उसकी नफरी और स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट की नफरी, ये तकरीबन कोई 250 जो है ये 3 शिफ्टों में काम करेगी, 3 बीट्स में तकसीम की है इसको, और राउंड द क्लॉक इस पर मोटरसाइकिल्स पे और गाड़ियों में गश्त होगी इंशाल्लाह। और ये ना सिर्फ लोगों को प्रोटेक्शन देंगे बल्कि ये हेल्प आउट भी करेंगे, ये हेल्प भी करेंगे उन लोगों की जो अगर डिस्ट्रेस में है, गाड़ी ख़राब हो गई है, कोई और ज़रूरत है तो वो करेंगे। मेरी आज सेक्रेटरी कम्युनिकेशन से भी बात हुई है, IG मोटरवे से भी बात हुई, हमारी वीडियो लिंक पे बात हो चुकी है उनके साथ। हम इंशाल्लाह अनकरीब यहाँ पे वो भी आ जाएंगे, वो अपना टिकटिंग सिस्टम शुरू कर देंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह कोई अगले 2-3 महीने में हम ये सारा कुछ सिक्योरिटी उनके हवाले करके देंगे। अच्छा सर, थोड़ा सा तफ्तीश के बाद बताइएगा, दूसरा ट्विटर पे एक पैगाम आपकी तरफ से कोई वायरल हुआ जिसमें देखिए बात ये है कि अगर आप सोशल मीडिया को फॉलो कर रहे हैं और आप लोग न्यूज़ सोशल मीडिया से दे रहे हैं तो फिर तो मेरे ख्याल में ये जो इतनी आप एफर्ट कर रहे हैं इसकी ज़रूरत ही नहीं। बिल्कुल जाली ट्विटर अकाउंट है जो इनाम गनी के नाम से INAAM, मेरा वो बिल्कुल अकाउंट नहीं है। मैं तमाम अपने दोस्तों को तमाम को बता भी चुका हूँ और उस पर जो भी पैगाम आप वो रिपोर्ट भी कर चुके हैं, PTA को भी रिपोर्ट कर चुके हैं, ट्विटर को भी रिपोर्ट कर चुके हैं। सो जो भी प्रोग्रेस होगी वो ख़ुद हम आपको बताएंगे, हमारा DPR आपको बताएगा। बराए मेहरबानी तमाम चैनल से रिक्वेस्ट ये है कि लोगों को डिस इंफॉर्मेशन ना दें, उल्टी सीधी बातें, फलाना हो गया है, अंगूठियाँ मिल गई हैं, बंदे मिल गए हैं, ATM कार्ड इस्तेमाल हुआ है और DNA मैच कर गए, ये इस तरह के जो जाली मैसेजेस वो होते हैं डिसइंफॉर्मेशन,
ये तो मेरे ख्याल में कोई हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज ही कर सकते हैं या कोई पाकिस्तान दुश्मन ही कर सकता है। जो इस मुल्क का इस कौम का खैर ख्वाह है वो इस तरह के मैसेजेस नहीं करता। आप लोगों की भी आपसे रिक्वेस्ट ये तमाम जितने हमारे मीडिया के भाई यहाँ पे है कि इन चीज़ों को मुझसे ज़रूर वेरीफाई कर लें। मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो हमारे DPR मौजूद हैं, जो DIG इन्वेस्टिगेशन जो टीम की सरबराही कर रहे हैं उसको हमने फुली ऑथराइज़ किया है कि वो मीडिया से बात करें, आपको मुसलसल प्रोग्रेस देते रहें। सो हम भी देते रहेंगे, वो भी आपको बताते रहेंगे, लेकिन बराए मेहरबानी ये जो है सोशल मीडिया इस पे ना जाए। सर ये भी बताइए कि अब तक कितने लोगों को डिटेन किया गया और तफ्तीश किस तरह से आगे लेके जाएगी? देखें बात ये है कि तफ्तीश जो है वो तो ज़ाहरी बात है जितना हम आपको बता सकते हैं उतना ही उसमें बताएंगे, और उसमें अगर आप ये सवाल करेंगे कि जी कितने बंदे, फिर आप पूछेंगे कौन कौन बंदे हैं और फिर वो किस तरीके से और उनके खिलाफ क्या एविडेंस है। वी आर वर्किंग, हमने प्रोफाइलिंग की है, 30 से 35 साल तक की उम्र के हैं वो। उसमें हमने जैसे मैंने पहले भी बताया था कि वी हैव वर्क विद जो इलेक्शन कमीशन की लिस्टें हैं, नादरा की हमारी लिस्टें हैं, उस पर भी काम किया है, जियो फेंसिंग की भी हमारी रिपोर्ट्स आ गई हैं। सो इंशाल्लाह हम अच्छे ट्रैक पे हैं। और जैसे पहले आपके सामने ही जब वाकया हुआ था कसूर का, तो मैं ही आपसे बात करता था कि इंशाल्लाह हम मुलजमान को या मुलजिम को पकड़ेंगे और आपके सामने आएंगे। तो आज भी मैं आपको यही कह रहा हूँ, इंशाल्लाह हम मुलजमान को पकड़ेंगे और आपके सामने लाएंगे। थोड़ा सा सब्र करें, अपने पुलिस पे थोड़ा सा ट्रस्ट करें, क्योंकि हमने पहले भी साबित किया है कि इस तरह के वाकयात जो हुए हैं तो हमने उसमें बड़ी अच्छी प्रोग्रेस दिखाई है। आपकी जानिब से कहा जा रहा है कि पुलिस पे ट्रस्ट करें, SSP लाहौर की जानिब से गुज़िश्ता रोज है कि तहकीकात से पहले ही मैसेज दे दिया गया, खवातीन जो खातून जो मुलव्वस थी मुतासर खलूस पे सवाल उठा रही थी, इस वाले से सोशल मीडिया पे काफ़ी हाई प्रोटेस्ट भी हुए, आपके दफ्तर के बाहर भी हुआ। बात यह है कि जो आपने बात की CCPO के हवाले से, अब उसने किस कॉन्टेक्स्ट में की, आई नॉट डिफेंड दैट। मेरे ख्याल में विक्टम जो है उसको हम किसी भी तौर पे ब्लेम नहीं कर सकते हैं, ये एक आज़ाद मुल्क है और हमारा काम है लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, वो हम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी हम पूरी सरंजाम दे रहे हैं। घर का चौकीदार घर के मालिक को ये नहीं कह सकता कि तुम अपने सामान की खुद हिफाजत करो, हमने करनी है, वी हैव टू प्रोवाइड सिक्योरिटी। और कहीं पे कमी कोताही हो जाती है, वारदात हो जाती है, मुलजमान को ट्रेस करना, पकड़ना, कन्विक्ट करना, वो हमारी जिम्मेदारी इंशाल्लाह करेंगे। सर आपकी तैनाती के खिलाफ जो एप्लीकेशन लाहौर हाई कोर्ट में गई है उस हवाले से सर कुछ कहना चाहेंगे? जी मैं बिल्कुल उसके हवाले से कुछ भी नहीं कहूँगा, मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, सरकार ने भेजा है और जब तक सरकार चाहेगी मैं रहूंगा, जिस दिन सरकार या कोर्ट का जो भी ऑर्डर करेगी मैं चला रहा हूँ। मैं काफी